निकाल देते अच्छा पीस का सिलेक्शन है मेन दिस टाइप ऑफ पीस वो चाहिए वो लोग फोन पे आपको बता दिए कि मुझे नली चाहिए सीना चाहिए उस हिसाब से चुन के पहले ही निकाल रहे हैं तो ये सब सिस्टम है यहाँ कसूरी में थी यस सर आप देख सकते हैं ये सब डला भी नहीं था और इसके पहले ही कस्टमर लोग आके अपना खाना जो है ले लिए खाना शुरू कर दिए हैं रिजर्व में रख दिया गया है और अब जो है ये सब चीज़ को डाला जा रहा है तो ये दीवानगी है यहाँ का दुकान खुलता नहीं है उसके पहले से लोग बैठे रहते हैं तो हम सोचे कि चलो मेरी वाइफ बोल रही कि नहीं लाओ तो मेरा पैसा ही बचेगा वहीं जाके खा लेते हैं दो पीस खाएंगे मन भर जाएगा घर छोड़ के आ जाते हैं यहाँ पे मटन खाने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। अभी फिर से हम लोग हैं शिवा होटल में। एक वीडियो आप देख चुके हैं मटन के मेकिंग का, बस उसी वीडियो को आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। और इधर देखिए मटन जो है निकलना स्टार्ट हो गया। अभी मटन मतलब चढ़ा हुआ है, पूरी तरह से रेडी भी नहीं। अभी एक मसाला डालना बाकी है ना। एक अभी गरम मसाला जो इनका अपना है वो अभी तक डला भी नहीं है और उसके पहले ही कस्टमर लोग आ गए हैं और जो चढ़ा हुआ मटन है सीधे निकाल के इधर दिया गया है। कंटिन्यू है, हम हमेशा कंटिन्यू ही रहते हैं यहाँ पे, हमेशा आते हैं। लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत बेटर होता है और परफेक्ट होता है। ये क्या उसमें निकाल के डालिएगा क्या? वो बहुत सारा ऑर्डर किया जाता है ना, वो निकाल के रख देते हैं। अच्छा, वो सब निकाल के रिजर्व में रख देते हैं जो जो ऑर्डर किए हैं फोन पे उनके लिए है। अच्छा, इधर देख सकते हैं कि पहले से जो मतलब रिजर्व किए हुए लोग कॉल पे ऑर्डर दिए हुए उन लोग के लिए निकाल के उधर रखा जा रहा है। ये लो यार, ये सब फ्राई का ऑर्डर है। हाँ फ्राई है सर, फ्राई नहीं है इसमें, पहले से वो जो पीस का सिलेक्शन पहले निकाल देते हैं। अच्छा, पीस का सिलेक्शन है मेन, दिस टाइप ऑफ पीस वो चाहिए। वो लोग फोन पे आपको बता दिए कि मुझे नली चाहिए सीना चाहिए उस हिसाब से चुन के पहले ही निकाल रहे हैं तो ये सब सिस्टम है यहाँ का। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको भी कोई अपना पर्टिकुलर आपका चॉइस है कि हमको यही खाना है तो आप फोन पे बता के रिजर्व करवा के रख लीजिए। कहीं निकालो, अभी गरम मसाला तो इसमें डालना बाकी है ना। यस सर, ये नली में निकालो। मटन देखने में बहुत सही सा लग रहा है, आप देख सकते हैं कि मतलब भूंजा हुआ टाइप का मटन है, कोई पतला ग्रेवी या ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ की एकदम साफ सुथरे तरीके से काम किया गया है यहाँ पर। पूरे टाइम देख रहे थे अंकल कि आप पोछ रहे थे हांडी को, है ना। तो इतना सफाई लोग घर में भी नहीं रखते होंगे जितना सफाई से आप यहाँ काम किए हैं। यस सर, एक्चुअल में सर घर से दूर घर के जैसा, यही आप लोग का टैगलाइन है। यस सर, यस सर। रिजर्व वाला मटन है वो निकाल के उधर साइड कर लिया गया। अब जो है नेक्स्ट जा रहा है इसमें गरम मसाला, ये जो इनका अपना पिसा हुआ मसाला है, ये मसाला घर से पीस के लाते हैं। यस सर, यस सर, सर टोटल घर का मसाला है। अब जा रहा है कसूरी मेथी। यस सर, आप देख सकते हैं ये सब डला भी नहीं था और इसके पहले ही कस्टमर लोग आके अपना खाना जो है ले लिए खाना शुरू कर दिए हैं रिजर्व में रख दिया गया है और अब जो है ये सब चीज़ को डाला जा रहा है। तो ये दीवानगी है यहाँ का, दुकान खुलता नहीं है उसके पहले से लोग बैठे रहते हैं। जो है पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है और अब इसे इस तरीके से काउंटर पे शिफ्ट कर दिया गया। बगल में जो है इसमें है चावल, रोटी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ मटन को अच्छे से वॉश किया गया। तो आज के इस वीडियो में कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मटन को वॉश नहीं किए। एक वीडियो डाले थे रिसेंटली, वहाँ कंप्लेन लोग कर रहे थे। गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमा रहे हैं अपने फ्रेंड के मोस्ट बेट साइट पर। हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी तरह से इंडिया में खुद को साबित किया है। हर रोज हम अच्छी से अच्छी न्यूज सुनते हैं इस साइट के बारे में और हाँ, हम आपको बता सकते हैं हर सेकंड मेरे दोस्त अपनी साइट पर जीत रहे हैं। बस मेरे लिंक को फॉलो कीजिए और व्हील को स्पिन कीजिए और ये करने से आप जीत सकते हैं 30,000 रुपए अपने पहले डिपॉजिट पर। और बस याद से मेरा जो प्रोमो कोड है वो डाल दीजिएगा, वो आपका बोनस इंक्रीज कर देगा। हम खुद यहाँ कैसीनो और कार्ड गेम्स खेलना पसंद करते हैं। बहुत से दोस्तों ने अपने अलग अलग गेम्स ढूंढी है, जैसे कि अवतार हो गया और भी बहुत कुछ है। मोस्ट बेट की वेबसाइट पर आप किसी भी गेम्स पर बेट कर सकते हैं और अच्छे पैसे जीत सकते हैं। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं स्पोर्ट्स बेटिंग या कैसीनो तो ये सिर्फ मोस्ट बेट पर अवेलेबल। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, फ्री स्पिन्स नाउ। जल्दी से जाइए, उस लिंक को चेक कीजिए और अच्छे खासे पैसे जीतिए मोस्ट बेट साइट पर। और इधर जो है रोटी बनाया जा रहा है लगातार, मतलब बैठ के आंटी तब से रोटी कर, देख सकते हैं कितना रोटी जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड है, मतलब इतना डिमांड रहता है रोटी का। और भी बनाएंगे तो और रहेगा, लेकिन अच्छा। नहीं बनाए ज्यादा नहीं ना बन पाएगा, समय भी तो और बच रहना चाहिए। रोटी बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, तो वो भी इतने क्वांटिटी में रोटी बन रहा है, देख के लग रहा है कि लगभग 150-200 रोटी है यहाँ। समय भी तो रहना चाहिए बनाने के लिए। सारे रोटी को इसमें इस तरीके से पैक करके रखा जा रहा है ताकि गर्म रहे, ठंडा नहीं हो। रोटी की है जो ये हमारा गेहूं जो है वो मार्केट का गेहूं नहीं है। अच्छा, गाँव से आता है गेहूं और उसी गेहूं को मैं धो करके पिसा के तब रोटी बनता है। अगर सारा गेहूं गांव से आता है? यस सर, गांव से आता है और उसके बाद उसको धो करके तब उसको आटा पिसाया जाता है। अगर हमारे यहाँ का कस्टमर का रोटी ख़त्म हो जाने के बाद
मैं कस्टमर को बोलता हूँ सर आगे होटल है वहाँ से रोटी ला देता हूँ, कस्टमर बोलता है नहीं मैं आपका रोटी खाऊंगा, आगे होटल का रोटी नहीं खाऊंगा। अभी शुरू से ही मतलब यहाँ लगी हुई है, जब से खुला है होटल स्टार्टिंग से ही आप है। स्टार्टिंग से यहाँ रह के सब सीखी, सब सुस्ता काटना वो सब सब यहाँ रह के सीखी। पहले तो इतना नॉलेज होगा नहीं, इतना नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज हो गया। और हर किसी से यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, कौन सा पीस चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ आंटी मटन निकाल रही हैं और जिन्हें जो पीस चाहिए वो पीस जो है वो दिया जा रहा है एकदम। और आप ही के वीडियो के देख करके हम लोग सब जगह चले जाते हैं खाने के लिए। अच्छा। मटन और चावल का तो जवाब ही नहीं है। अच्छा, नहीं तो हम लोग चले जाते थे वो क्या कहते हैं चंपारण में। ठीक है, लेकिन अब चंपारण को हम लोग मतलब भूल गए हैं, अब यहीं पे आके खाते हैं, यहीं पे आके मटन मटन चावल खाते हैं। बहुत अच्छा। आपको बता दें कि अपने घर से जब आज निकले हैं तो अपनी वाइफ को बोले अच्छा कि ममता सो आज मटन लाते हैं, बोले कि नहीं मत लाइए, समझ गया मटन लाइएगा तो चिकन लाना पड़ेगा। तो हम लोग 800 रुपये किलो मटन देता है वहाँ से लाते हैं, तो हम सोचे कि चलो मेरी वाइफ बोल रही कि नहीं लाओ तो मेरा पैसा ही बचेगा, वहीं जाके खा लेते हैं, दो पीस खाएंगे मन भर जाएगा, घर छोड़ के आ जाते हैं यहाँ पे मटन खाने के लिए। एकदम एकदम बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। बता भी रहे थे कि अभी आए तो धनियावा वाला वीडियो देखे, मछली वाला कहा कल ही देखे हैं रात में, मछली वाला आपका, तो आप वहाँ भी जाएंगे खाने के लिए। ठीक ना, तो आप लोग का बहुत अच्छा है और धन्यवाद देते हैं आप लोगों को कि आप लोग ऐसे जगह को चुनते हैं ना जहाँ पे साफ सुथरा भी रहता हो और खाने का भी मतलब कि अच्छा मतलब है ना टेस्टी मिलता है। हम लोग धन्यवाद देते हैं जो आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, आप खाने को एंजॉय कीजिए, सॉरी टू डिस्टर्ब, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आप लोग का मेहनत है ना बहुत बहुत है, इसके लिए थैंक यू सो मच। एड्रेस इधर देख सकते हैं, वैसे लास्ट वीडियो में भी दिखाए थे, फिर से दिखा देते हैं, मीठापुर में हम लोग हैं, मीठापुर में है आर्य भट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है और इसी के बिल्कुल सामने में है ये होटल जिसका कि नाम है होटल शिवा। डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक भी जो डाले हुए हैं, फ़ोन नंबर भी डाले हुए हैं और सिर्फ मटन मिलता है और कुछ नहीं लिखा हुआ बोर्ड पर, काफ़ी कुछ है बट यहाँ सिर्फ मीट रोटी और चावल, इन तीन चीज़ के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और सामने देख सकते हैं अंकल आंटी बहुत प्यार से बहुत मेहनत से बनाते हैं और दो घंटे का सारा खेल होता है, दो घंटे में सब खत्म। तो आंटी हम लोग अभी एक प्लेट निकाल दीजिएगा, रोटी चावल दोनों है ना? हाँ, तो बस रोटी खाएंगे हम लोग। ये जो है प्लेट निकाला जा रहा है, प्याज प्याज के ऊपर गया, थोड़ा सा चाट मसाला, रोटी ऑलरेडी तैयार करके आंटी इधर रखी हुई है। रोटी का आंटी क्या रेट होता है? 5 रुपये। 5 रुपये का एक रोटी हो गया। और चावल का क्या रेट है? चावल का रेट क्या है? चावल का 20 रुपये। 20 रुपये का चावल। और इधर आ गया मटन, एक एक 60 का प्लेट है चावल के साथ, क्या क्या रहेगा उसमें? उसमें क्या क्या रहेगा? ये 4 पीस रोटी रहेगा, 2 पीस मटन रहेगा, या 1 प्लेट चावल रहेगा, 2 पीस मटन रहेगा। 160 रुपये का पर पीस जो है मटन, 70 रुपये का होता है, जो पोर्शन आपको चाहिए वो मिलेगा और पहले से रिजर्व कर दिया ज़्यादा बेटर रहेगा। एक पीस नली कलेजी वलेजी है तो वो दे दीजिए, दोनों नली का आज दोनों नली दे दीजिए, फिर और कस्टमर लोग आएंगे तो मांगेंगे ना, एक ही दीजिए, छोड़िए दूसरे को भी तो ज़रूरत है। हाँ ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। इधर आ चुका है हमारा मटन और इससे पहले कि कस्टमर का भीड़ लगे सोचा कि हम लोग जल्दी से मटन को ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जहाँ से कि पता चला है बहुत भीड़ लग जाता है और दो घंटे में सब कहानी ख़त्म रहता है, तो भीड़ लगने से पहले इत्मीनान से बैठ के मटन को टेस्ट करते हैं। ये देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा दो पीस जो है वो दिया गया है, 70 रुपये पर पीस रेट है और देखने में लग रहा है कि पूरा मसालेदार होने वाला है। ये हो गया जो लाल मिर्च जैसे कि स्टार्टिंग में डाले थे पूरा काला किए थे, ये सारा प्रोसेस देखना है बनने का तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। बड़ी इलायची मतलब सारा गरम मसाला वसाला डाल के बनाया गया है। एक हो गया ये लहसुन और ये हमारा फेवरेट पीस जो कि आजकल हर किसी का फेवरेट पीस हो चुका है, तो निकालते हैं इसे बाहर। सबसे पहले थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो निकालते हैं, एक बाइट टेस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मटन जो है सॉफ्ट, यही चीज़ देखना था, मटन जो है पूरी तरह से सॉफ्ट। थोड़ा सा लेते हैं इधर से ये जो मसाला है, ये बहुत ज़्यादा सही। मटन जो है सबसे बेस्ट चीज़ लगा कि मटन पूरा सॉफ्ट है, मटन अच्छे क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए कितना मुलायम सा मटन है, ऐसे मटन जो है वो टूट रहा है, तो मटन पूरा सॉफ्ट और तीखा बहुत नहीं है, स्पाइसेस है मसालेदार है बट तीखा बहुत नहीं है।
एकदम अच्छे से मसाले को भुना गया है। प्रॉपर जो मसाले का बैलेंस होना चाहिए उसे मेंटेन रखे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पाइसी है तो थोड़ा तीखा ज़्यादा कर दियो। मसाला प्रॉपर है बट जो मिर्च है, लाल मिर्च है, वो कम है और कोई कश्मीरी मिर्च यूज़ नहीं करते हैं। ये भूनते इतने अच्छे से हैं कि ये जो पूरा तेल है ये ऊपर आ जाता है और इसी का जो ये रेड कलर आपको दिख रहा है, तो मसाले में कोई बहुत आपको लाल रंग नहीं दिख रहा होगा, कोई कलर नहीं, कोई कश्मीरी मिर्च को यूज़ नहीं किया गया और मटन वाकई में बहुत ज़्यादा सही है। इतने मेहनत से जो बनाया है वो मेहनत जो है वो आपके प्लेट में पूरी तरह से उभर के आएगा। और हम लोग थोड़ा स्पाइसी खोजते हैं तो हम लोग को तो और मज़ा आ रहा है। तो मसालेदार ये मटन रहने वाला है बट तीखा नहीं रहेगा, तो जो तीखा कम खाते हैं टेंशन नहीं ले, आप इस मटन को खा सकते हैं। मज़ा आ गया खा के, मज़ा आ गया। बहुत सही अंकल, बहुत बढ़िया बना है। जितना आप तारीफ़ कर रहे थे एक्चुअल में है उस लायक। अब जो है ये ट्राई करते हैं लहसुन को। अच्छा लहसुन तो सबको नहीं मिल पाता होगा, जो पहले आए उनको मिल जाता होगा। इनका जो जीरा जो है वो उसका भी स्वाद इसमें आ रहा है, मतलब खड़ा जीरा, वो पाउडर वाला नहीं, जो खड़ा जीरा उसका स्वाद आ रहा है। इसका ये मेन रीज़न है कि ये कूट के डालते हैं मसाला को, मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ नहीं किए, मतलब यूज़ नहीं किए हैं तो बहुत फाइन पाउडर नहीं हुआ है, हल्का सा जो दरदरा सा जीरा का स्वाद है वो आएगा। ठंड में लहसुन खाने का तो अपना अलग मज़ा है। तो एक शब्द में कहें मज़ा आ गया यहाँ आके और ये मटन को खा के। ये मज़ा जो है आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फ़ोन नंबर है। बार बार ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि जो भी आए फ़ोन करके ही आए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि लोग दूर से आएँ और आके परेशान हो वापस लौटे, तो फ़ोन करके ही आइएगा। यहाँ आते हैं तो प्री बुक करके आइएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस मटन को। 2 घंटे का सारा खेल होता है, 11 बजे से मिलना स्टार्ट होता है, 1 बजे तक चलता है ना, 11 से 1 का सारा सीन है। ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।